लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के संस्थापक हाजी मोहम्मद इकबाल के नेतृत्व में पीतल दस्तकारों ने कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा होकर एक अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने आंखों पर काली पट्टी बांधकर केंद्र सरकार को चेताया कि वे आंखों में पट्टी बांधकर पीतल दस्तकारों के खिलाफ निर्णय न करें, क्योंकि पीतल दस्तकार की इंडस्ट्रीज 200 से अधिक वर्षों पुरानी है। लोकतंत्र बचाओ मोर्चा ने एक ज्ञापन राष्ट्रपति को संबोधित, एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से लोकतंत्र बचाओ मोर्चा ने मांग की कि मुरादाबाद शहर 70 सालों से छोटे उद्योगों से जाना जाता है। प्रदूषण विभाग जो इनके खिलाफ कार्यवाही कर रहा है वे गैर संवैधानिक है, जिसको तुरंत रोका जाए। का प्रदर्शन है या अनोखा प्रदर्शन है, आपने आंखों में पट्टी बांधी है, जानना चाहेंगे वजह क्या है? केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार तानाशाही सरकार के रूप में अमल कर रही है। ये पीतल सनत पौने 300 साल पुरानी सनत है, जो 35,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के अंदर पहली सनत का शहर है, जो 35,000 करोड़ रुपया कमा कर देता है। आज शाही फरमान की तरह इन्होंने ऐलान कर दिया कि भट्टियाँ बंद कर दो, और पुलिस जो है आतंकी बुनियाद पर तमाम भट्टियों में ताले डालती फिर रही है और अवैध पैसा वसूल की। इसलिए हमने ये अनोखा प्रदर्शन इसलिए किया है कि आंखों में पट्टी बांधकर केंद्र सरकार ने फैसला किया है। यहाँ प्रदूषण के मानक की जिम्मेदारी 2012-2013 के अंदर समाजवादी पार्टी पूर्व की सरकार, जिसने इस तमाम विधेयक को पास किया, और विधेयक को पास करने के बाद समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद की सनत दस्तकार को ये नहीं बताया कि इस मुराद के अंदर जो आसमानी प्रदूषण का कानून वर्ल्ड यानी कि WHO की बुनियाद पर बना है, WHO की बुनियाद पर जो कानून बना है उसकी जहन साजी नहीं की। WHO का आधार पर मुराद के संसद ने जाहिलाना बयान संसद के अंदर दिया, उस जाहिला बयान की मैं कठोर निंदा करता हूँ, और समाजवादी पार्टी एक मुद्दा छोड़ के इस मुराद की सनत को तबाह करने का काम समाजवादी पार्टी करके चली गई। इसलिए हमने कहा कि विपक्ष ने भी आके पट्टी बांध रखी है और सत्ता ने भी आके पार्टी बांध दी है, आखिरकार ये मुराद की सनत ही नहीं होगी तो 20 लाख मुसल यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ का हर ताल्लुक जो है, अभी मेरे एक साथी ने कहा कि अगर इलाहाबाद की हाईकोर्ट उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश में आ जाए तो यहाँ का जो इलाहाबाद का रोजगार है वो 40% रह जाएगा। अगर सरकार इतनी बड़ी ईमानदार है तो अभी तक हाई कोर्ट की जो बेंच 25% उत्तर प्रदेश को चाहिए वो नहीं दे पाए, तो आज प्रदूषण के नाम पर जो तमाम पुलिस आतंक फैलाती फिर रही है, इसको हमने कहा है और जिलाधिकारी से मांग करते हैं कि आंखों पट्टी बांधकर फैसला न करें, फैसला संविधान के दायरे के अंदर करें। इसलिए आंखों पट्टी बांधकर एक अनोखा प्रदर्शन देश को हम देना चाहते हैं।